हेलो भाई, मैं हिमांशु यादव। स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। भाई आज हम बात करने वाले हैं क्रेटा की। ये फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट नहीं है जो अभी 2021 में ये सब आने लगे हैं, ये पुराने वाली है और भाई फुल्ली मॉडिफाइड है। फुल्ली मॉडिफाइड सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट में पहले तो आप इसकी लाइट देख पा रहे हो गए। तो ये भाई बिल्कुल बेस मॉडल है, एक बार देख लो। भाई बेस मॉडल में इसमें प्रोजेक्टर वो डलवा रखे हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प। तो देखो ये हम बेस वेरिएंट देख रहे हैं ग्रे कलर का। नीचे की तरफ आप फॉग लैंप देख सकते हो, फॉग लैंप भी हम आपको दिखा देंगे। बीच में आपको क्रेटा की ऐसी कुछ ग्रिल मिल जाती है, हुंडई का बीच में लोगो। और नीचे की तरफ आपको यहाँ दिख जाती है इसकी नंबर प्लेट, उसके नीचे एक और ग्रिल आपको दिख जाएगी। सेम इस साइड भी हेडलैम्प। एक बार ब्राइटनेस अगर कम करके दिखाऊं मैं आपको तो बहुत अच्छा थ्रो है इनका। देखो कितनी मस्त लग रही है दिखने में। गाड़ी अभी स्टार्ट है, देख लो कितना रिफाइंड इंजन है इसका। अभी कोई मतलब ये वो नहीं है, आवाज़ नहीं है। टायर्स देख लो भाई इसके, आप जरा एक बार टायर देखो कितने सही टायर हैं। बहुत बहुत अच्छे लगे मेरे को इस कार के पर्सनली टायर। स्टिकर्स के साथ है, इस वाले टायर का थोड़ा स्टिकर अभी हट चुका है। इनका अगर मैं आपको साइज़ दिखाऊं तो ये है 225/55R17। ये चौड़े बहुत हैं भाई, देखो इधर से कितने चौड़े हैं, बहुत ज़्यादा चौड़े टायर हैं। इस साइड चलें, गाड़ी का एक छोटा सा वॉक अराउंड ले लो। तो स्टार्ट करते हैं भाई इसके ORVMs पे। ये भाई बेस मॉडल है, पूरा अपग्रेड करा रखा है अपना टॉप मॉडल में। तो यहाँ पे इसको आपके ये ORVM पे इंडिकेटर मिल जाएंगे LED, डोर हैंडल आपको क्रोम वाले मिल जाएंगे जो हम अंदर चल के बात करेंगे अभी। इस साइड भी पीछे भी मतलब वही सेम। यहाँ पे आपको एक क्रोम बीडिंग दिख जाएगी जो पूरी एंड तक जाती है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। ऊपर आपको कोई भी वो नहीं मिलता जिससे मतलब रेन वाइजर वगैरह कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाएंगी। पीछे की तरफ आपको यहाँ पे इसका डीजल टैंक मिल जाएगा। और पीछे आए तो भाई पीछे से तो ये गाड़ी बिल्कुल मस्त है। देखो जरा एक बार आप इसकी लाइट्स देखो, ब्राइटनेस अभी मैंने कम करी है। देखो लाइट कितनी मस्त लगती है इसकी दिखने में। तो ब्राइटनेस वापस से फुल करते हैं। तो ये हुंडई का आपको बीच में लोगो दिख जाएगा, ऊपर इसका स्पॉइलर दिख जाएगा, हाई स्टॉप लैंप दिख जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आपको क्रेटा लिखा हुआ दिख जाएगा। क्रेटा की यहाँ पे आप बैजिंग देख पा रहे हैं। तो एक बार पास से आपको इसकी लाइट्स का मैं वो दिखा देता हूँ कि मतलब इसमें क्या क्या है। तो यहाँ तो इसकी ये DRLs हैं 3-4 जो आपको दिख रही हैं। उसके ऊपर आपको एक टर्न इंडिकेटर दिख जाता है लंबा सा, बहुत लंबा सा है। देख लो ब्राइटनेस बढ़ाई ज़रा। तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है कार का, कोई मतलब ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है कि कार लुक में। स्टॉक वाली से ज़्यादा अच्छा है, स्टॉक से तो बहुत अच्छा है। नीचे की तरफ आपको यहाँ इसकी नंबर प्लेट दिख जाएगी, नीचे आपको यहाँ रिफ्लेक्टर दिख जाएंगे। बेस मॉडल है, कंपनी सेंसर वगैरह कुछ नहीं देती, कैमरा आफ्टर मार्केट है। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए तो साइड प्रोफाइल कार की बहुत सही है। जो इसके एलॉय है ना, इनसे कार में चार चांद लग गए। अभी एक बार आपको इसका बूट ओपन करके दिखाता हूँ मैं। तो भाई आपको दिखाऊँ मैं क्रेटा का अगर बूट, तो इसका यहीं से खुल जाता है। नीचे की तरफ इसका मैग्नेटिक बटन है। तो AC इतना अच्छा है कार का कि अभी पीछे भी इसकी कूलिंग आ रही है। बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है कार में। बेस मॉडल से यहाँ पे लाइट आ जाती है वो, जो कि वाइट करा रखी है अभी। ये देखो वाइट है। और कार में एक सबवूफर रखवा रखा है जिसका आउटपुट बहुत अच्छा है, पायनियर का ही है। और कुछ सामान अभी गाड़ी में रखा है। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे इसका स्पेयर टायर मिल जाएगा। तो भाई ऐसा दिख जाता है आपको क्रेटा डीजल बेस मॉडल का डोर। देख लो ये यहाँ पे ब्लैक है, पूरा डोर ही ब्लैक है। कोई कुछ आपको यहाँ पे क्रोम वगैरह का यूज़ नहीं दिखेगा। स्पीकर आता है डोर पे बस। और तो ये विंडो अप डाउन का आता है, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक ये डोर ओपनर मिल जाता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई गाड़ी के अंदर स्पेस तो है, अच्छा खासा है। विंडो से आप कुछ ऐसा व्यू ले सकते हो, विंडो भी काफ़ी बड़ी है इसकी। ऊपर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाएगा विद हैंगिंग स्टोरेज।
गाड़ी में चार हेडरेस्ट आते हैं, दो आगे के हटा रखे हैं, पीछे भी दो हैं। बीच में यहाँ पे पीछे की सीट पे कोई भी कुछ ऐसा नहीं है जिससे मतलब हम यहाँ पे बीच में इसको सपोर्ट लगा के या फिर कप होल्डर बना सके निकाल के। सेम उस साइड है, पीछे आपको कोई भी सॉकेट वगैरह नहीं मिलता चार्जिंग का। दो AC वेंट आपको बेस मॉडल से ही मिल जाते हैं। ये सीट कवर आफ्टर मार्केट है, ये अल्ट्रा कंफर्ट वाले सीट कवर है भाई, अल्ट्रा कंफर्ट। इन पे बैठ के आप थकोगे ही नहीं, ये इतने मोटे हैं, इनमें इतनी मोटी फॉर्म डली हुई है। यहाँ पे आपको एक LED मिल जाती है, मतलब लाइट मिल जाती है, आफ्टर मार्केट है। देखो बंद डोर और ये ऑन, तो ऐसा कुछ आपको गाड़ी का यहाँ से फ्रंट कंपार्टमेंट दिख जाता है। गाड़ी में बहुत बड़ा एंड्रॉयड लगा हुआ है जो काफ़ी अच्छा है। सीट्स तो कार की सबसे अच्छी, मेरी पर्सनल फेवरेट हो गई इसकी सीट्स। चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में। ऐसा दिख जाता है भाई आपको क्रेटा का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर पे इस पे आपको डुअल टोन मिल जाएगा। ये यहाँ पे एक आपको ये बीच कलर का सा मिल जाएगा, यहाँ पे ब्लैक, यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, एक प्लास्टिक है। इस साइड देख लो आप इसका डोर कितना सही है। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, पावर अप डाउन, विंडो अप डाउन, सब कुछ, लॉक अनलॉक। विंडो पीछे की आपको लॉक करनी हो, डोर ओपनर लॉक का। और यहाँ से आप इसकी विंडोज़ को भी एडजस्ट कर सकते हो, मिरर्स को लेफ्ट राइट करके सारा कुछ एडजस्ट कर सकते हो आप। क्लोज इसको नहीं कर सकते, क्लोज नहीं होगा ये। तो बैठते हैं भाई क्रेटा में। तो भाई ये आ गए हम क्रेटा के इंटीरियर में फ्रंट सीट्स के। तो मैं आपको अगर गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊँ ना, तो देखो कितनी आवाज़ करती है। डोर खुला है जब इतनी आवाज़ आ रही है, डोर बंद करते हैं। तो ये देख लो भाई, अभी बाहर की लाइट्स ऑन है तो इसलिए थोड़ा सा इल्यूजन कम है, ये बढ़ गया। ऐसा कुछ आपको इसका एनालॉग मीटर मिल जाता है जिसमें लेफ्ट साइड पे 6000 तक मार्किंग है क्योंकि ये डीजल इंजन है। और इस साइड पे आपको 220 तक इसकी इसका स्पीडोमीटर मिल जाएगा। स्पीडोमीटर में आप देख सकते हो आपकी गाड़ी हीट है, कूल है, फ्यूल दिख जाएगा आपको कितना है, रेंज वगैरह दिख जाएगी, और वो सब आप इधर से देख सकते हो। गाड़ी में क्रूज कंट्रोल भी है बेस मॉडल में ही, उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो इधर से। आप यहाँ से अपनी ट्रिप वगैरह भी देख सकते हो, यहाँ पे स्पीड आएगी देखो, ये ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज कार की, और ये एवरेज 11 की एवरेज दे रही है, कोई बुरी नहीं है। तो गाड़ी का हॉर्न इसका प्रेशर हॉर्न है जो बहुत तेज है, और इसकी आवाज़ अंदर भी नहीं आ रही, देखो कितनी कम अंदर आवाज़ आ रही है। और आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ थोड़े से हैंड ब्रेक, सीट बेल्ट, डबल इंडिकेटर के वो दिख जाएंगे। स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको म्यूट मोड, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कट, कॉल पिकअप, और यहाँ पे सब कुछ चेंज कर सकते हो, म्यूट भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रिप का मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल का मिल जाएगा, रिजर्व ऊपर आप कर सकते हो इसको, यहाँ से रीसेट, कैंसिल, और थोड़ा सा स्टीयरिंग अगर इधर मोड़े तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे इसके लाइट्स के कंट्रोल। यहाँ पे आपकी DRLs ऑन हो गई, ये आपकी मेन लाइट ऑन हो गई, हेडलाइट, यहाँ से आप पार्किंग लाइट, सॉरी हाई बीम लो बीम कर सकते हो। यहाँ से आप पास वगैरह नीचे की तरफ करोगे तो इंडिकेटर अप, और इस साइड दिखाएं तो यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे सारे, हाई, बहुत सारी मोड्स हैं इसमें। पीछे इसमें कोई भी वाइपर नहीं है, डिफॉगर है, डिफॉगर भी नहीं है। AC इसका मैनुअल है, ये देख लो AC यहाँ पे आपको मैनुअल है। बीच के कंपार्टमेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आपको टाइमिंग दिख जाएगी, टाइम कितना हो रहा है। इसका एंड्रॉयड स्टीरियो जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे फीचर है, नेविगेशन वगैरह सब कुछ। और ये आपको यहाँ पे आप इंडिकेटर का दिख जाएगा जो ये लाल कलर का है, ऐसे ही लाल कलर का बटन आपकी स्क्रीन पे भी बना रहा होगा, तो उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे इसका मैनुअल AC 4 तक स्पीड है, पैरों वगैरह में सब जगह आप हवा ले जा सकते हो इसकी। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसका चार्जिंग सॉकेट, इस साइड इसका 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, फ्रंट रिवर्स इसका फ्रंट में लगता है। रिवर्स कैमरा अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका तो देख लो, अच्छा खासा व्यू है इसका, कोई बुराई नहीं है इसमें। ये बंद हो गया। इधर अगर हम दिखाएं तो यहाँ पे इसका ये है आर्मरेस्ट, इस स्टोरेज के साथ है, इसको कर देते हैं बंद। यहाँ पे दो कप होल्डर मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे फ्रंट में आपको ट्विटर मिल जाएंगे जो आफ्टर मार्केट है। इधर भी एक ट्विटर है इन्फिनिटी का। पीछे से आप एक स्क्रीन, मतलब पीछे रियर व्यू आपको अच्छा खासा दिख जाएगा यहाँ से, इधर से भी देख लो। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर कोई भी नहीं दिया गया, डोर की लाइट एक साथ भी ऐसे भी कर सकते हो आप इन्हें, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, तो इसको कर देते हैं बंद।
वैनिटी मिरर इस साइड कोई भी नहीं दिया गया, इस साइड है पर कोई भी इसमें लाइट नहीं है। तो यहाँ से इसका डैशबोर्ड दिखाएं तो डैशबोर्ड भी इसका काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत स्पेस है, आराम से आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। और भाई कार में आपको एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाएंगी जो रात के टाइम बहुत अच्छा लुक देती है। ऐसी इसकी फ्रंट सीट्स हैं, सीट्स इसकी बहुत कंफर्टेबल हैं, पर्सनली रिकमेंडेड हैं। तो भाई यही था हमारा क्रेटा का रिव्यू, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।